नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। रांची स्थित HECL में कर्मचारियों को 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। HECL में CMD और निदेशक तक की तैनाती नहीं हुई है, इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र 9 मार्च तक HECL बचाओ सप्ताह मना रही है, इसके तहत धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के पदाधिकारी महासचिव विश्वजीत देव के नेतृत्व में साक्षी स्थित DC ऑफिस पहुँचे, यहाँ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन DC ऑफिस में सौंपा। इसमें मांग की गई है कि सभी मजदूरों को अविलंब वेतन दिया जाए, HEC का आधुनिकरण किया जाए, इसकी बैंक गारंटी को बहाल किया जाए, यहाँ CMD और निदेशक की तैनाती की जाए। आपको हम सबको पता है रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 1958 में स्थापित किया गया था और जिसके कल पुर्जा से लेकर के बड़ी मशीनरी से उत्पादन करते हैं और भारत के तमाम बड़े बड़े प्लांट चाहे बोकारो हो, भिलाई हो, सालेम हो, इन तमाम स्टील प्लांट से लेकर के कोयला खदान का और आज रिसेंट में चंद्रयान 3 और आदित्ययान IL इनके कल पुर्जे से लेकर के पेलोडर से लेकर के सैटेलाइट लॉन्चर तमाम चीज़ों बनाने में HECL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। HECL के पास करीब 55,000 करोड़ रुपया का जमीन है और HECL के पास 2012 तक इसका मुनाफा में थे, लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद इनके ऊपर नज़र नहीं दिया जा रहा है और धीरे धीरे आज इस स्थिति में पहुंच गया। इनके बैंक गारंटी के भी विड्रॉ कर दिया गया, इनके कच्चा माल के अभाव में 1300 करोड़ का ऑर्डर ये नहीं दे पा रहे हैं और पिछले 22 महीना से इनके ऑफिसर और कर्मचारियों का मजदूर मैंने वेतन नहीं मिल रहा है। हमारा इंटरवेंशन के बाद मात्र 2 महीना का सैलरी दिया गया है। आज मजदूर का जो वहाँ कैंटीन था उस कैंटीन को भी बंद कर दिया गया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के पहल के तहत हम पूरे राज्य से चंदा उठा के मजदूरों का कैंटीन चला रहे हैं वहाँ पिछला 2 महीना से और वो कैंटीन भी चलेगा। इस तमाम मांगों को करते हुए कि HECL में आज कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, HECL का कार्यशील पूंजी नहीं है, HECL का बैंक गारंटी विड्रॉ हो गया, तमाम जो इंडियन सेक्टर्स है पब्लिक सेक्टर उनके ऑर्डर को रोक दिया गया है, इन तमाम मांगों को लेकर 4 से 9 मार्च तक पूरे झारखंड में HEC संघर्ष एकजुटता समिति बनाया जा रहा है। पिछले दिनों में हम लोग प्रेस रिलीज जारी किए हैं, आज मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, अगले 1 हफ्ता के दौरान तमाम MPs को हम मांग पत्र सौंपेंगे और 9 तारीख को राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि HECL का जमीन जो कभी वो स्टेडियम बना दे रहे हैं, कभी विधानसभा बनाए हैं, लेकिन इसका पैसा HECL को नहीं दिया गया। इन तमाम पैसा को अगर दिया जाए HECL फिर से रिवाइव होंगे और देश का मातृ उद्योग इसको कहा जाता है, क्योंकि 58 के जब इसका स्थापना किया गया था पंडित नेहरू का समय में उसको बोला गया था तमाम इंडस्ट्री के मदर इंडस्ट्री ये है, तो देश माता के नाम से जो हम जयकारा भरते हैं देश का मातृ उद्योग का बचाने के लिए भी उस सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज 4 से 9 हमारा ये वीक चल रहा है एकजुट HEC बचाओ संघर्ष एकजुटता। आज कहाँ आप लोग हैं? आज हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देंगे प्राइम मिनिस्टर के नाम से, पूरे राज्य में तमाम जिला स्तर में तमाम उपायुक्त को ये मांग पत्र दिया जा रहा है। मांग हमारा CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का अकेला मांग नहीं है, वहाँ के जो हमारे 27 कर्मचारी है, वहाँ HECL का धुरवा हथिया क्षेत्र में व्यापारी है, वहाँ के विस्थापित आदिवासी है, तमाम लोग एक साथ मिलकर ये संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए ये जनता की मांग है। पिछले दिनों में आंध्र प्रदेश का भाईजाग में जो स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करने का जो कोशिश था उसका वहाँ के जनता ने रोक दिया है। अभी भाईजाग स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन नहीं कराने के मांग तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, तो इसलिए ये मांग हम जनता की मांग, समाज की मांग और राजनीतिक मांग करना चाहते हैं। CITU का ये पहल है, हम उम्मीद करते हैं समाज के हर तबके के लोग इसमें आज जुटेंगे और देश के पब्लिक सेक्टर HECL मातृ उद्योग को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या नाम हुआ? विश्वजीत देव, झारखंड CITU महाराष्ट्र।